अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पसंदीदा रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनी है ये, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसमें मैंने जायफल के बदले छोटी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया, फिर ये कोरमा लगने लगता है, इसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है। इसे गर्म गर्म नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। पसंदे मैंने डिश आउट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से पसंदे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। पसंदे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप मैंने ये ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। दो बड़े साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे, प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर करना है अच्छे से। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं सारी प्याज निकाल लूंगी, ऑयल निकाल देंगे इस तरह। प्याज मैंने सारी निकाल ली है ब्राउन करके, इसके आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी ऑयल में ये डालूंगी मैं साबुत गरम मसाला, एक तेज पत्ता है, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 6 लौंगे हैं, ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे थोड़ा सा, खुशबू आने लगी है इसकी। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लिया था, उसको जूलियन कट कर लिया है मैंने, ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे इसकी, दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको, लहसुन अदरक डालने के बाद 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब ये मैंने बीट के पसंदे लिए हैं, 1/2 kg मेरे पास ये पसंदे हैं और ये इस तरह से मैंने पतले पीसीस बनवा लिए हैं। कसाई से कहकर आप ये इस तरह के पसंदे बनवा लें तो वो बना देते हैं, ये डालूंगी इसमें। पसंदे डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर ली है, तो कलर चेंज हो गया है। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दूँ इसमें। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसकी भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट, खूब अच्छी से इसकी भुनाई करूँगी। 2 टेबलस्पून पानी डाल दूँ इसमें। तीन से चार मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकला है इसका। 1 कप पानी डालूंगी इसमें गलाने के लिए, 1/2 कप पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें, मुझे कम लग रहा है थोड़ा। मिक्स कर देंगे इसको और मीडियम आंच पे मैं इसको 1/2 घंटे के लिए गलाने के लिए रख दूंगी कवर करके। प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी, अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। एक टेबल स्पून इसमें दही डाल रही हूँ मैं ताकि आसानी से पिस जाए। ये मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज का। पसंदों को अब मैं चेक करती हूँ, 1/2 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था, इसको मैंने गलाने के लिए रखा था 1/2 घंटे के लिए,
लेकिन उस वक्त ये गले नहीं थे, तो मैंने 15 मिनट का और टाइम दिया है इसको। 45 मिनट मैंने इसको गलाए हैं, थोड़ा सा पानी भी और शामिल किया था, आधा कप। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं गल गए हैं ये बहुत अच्छे से, ये तोड़ के देखा है मैंने। ब्राउन प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। ये 150 ग्राम मैंने दही लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने प्याज में डाल के इसको पीस लिया था। प्याज को, दही और प्याज को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक साथ। दही और प्याज को मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा ये डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसमें प्याज और दही का पेस्ट डाल दिया है मैंने, 3 स्टेप में मैंने डाला है इसको, और मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं, ऑयल निकलता आ रहा है इसका। नमक भी टेस्ट कर लूँगी इसका मैं, थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा है, थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी इसमें। 1/2 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, मिक्स करेंगे इसको। ये मैंने खचखच का पेस्ट बनाया हुआ है, 2 टेबल स्पून ये खचखच का पेस्ट डालूंगी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ किया हुआ है। अगर बगैर साफ़ किए हुए इस्तेमाल करेंगे तो किराहट आ जाती है इसमें, बहुत ज़्यादा मट्टी होती है इसमें। तो अच्छी तरह से इसको वॉश करके फिर मैंने इसको भिगो के और फिर इसको ब्लेंड कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून ये डालूँगी इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिक्स करेंगे इसको। खचखच डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है, इसका ऑयल भी निकल आया है। अब मैं इसकी हल्की सी ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी, थोड़ा सा 1/4 कप मैंने पानी डाला है इसमें। मिक्स करेंगे इसको। पानी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है 5 मिनट के लिए, फिर हल्की आंच पे मैं इसको कवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। पसंदीदा तैयार हो गए, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। पसंदे मैंने डिश आउट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। इसे गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। इसमें मैंने जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया, फिर ये कोरमा लगने लगता है, इसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है जी। तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से पसंदे, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।